गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि हमने कल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 बताया था, आज प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाएंगे। ट्रेन ट्रेवल 360 किमी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित चाल से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किमी पर आवर मोर, यदि की चाल को 5 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से बढ़ा दिया जाए। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू सेम जर्नी, तो वो उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किमी पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 360 किमी, टाइम टेकन डी बाई एस 360 बाई एक्स आवर। If speed increase 5 किमी पर आवर, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए। न्यू स्पीड क्या होगी, x प्लस 5 किमी पर आवर। टाइम न्यू क्या होगा, डी बाई एस 360 बाई एक्स प्लस 5 आवर। बाई क्वेश्चन, पहला जो समय है निश्चित चाल से जब चलती है तो 360 बाई एक्स आवर लगता है। स्पीड बढ़ाने पे समय जो लगता है 360 बाई एक्स प्लस 5 लगता है। ये अगर 10 घंटे में पहुंचेगी तो 9 ही में पहुंचेगी, 1 घंटा कम, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एक्स इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम लेंगे, 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1। ये कैंसिल, 360 से 360 एक्स कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 1800। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट सम बनाया, प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन एक्स प्लस 45 माइनस 40 कामन एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 45 कामन देन एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 45, नेगेटिव नंबर विल बी निगलेक्टेड। x minus 40 is equal to 0, x is equal to 40, speed of train 40 km per hour। Question number 9 पे हम आ जाएंगे। Question number 9 आपसे कह रहा है, two water tape together fill a tank in 9 × 3/8 hour। यानी दो पानी की टूटियां है जो एक टैंक को 3/8 घंटे में भर देती है। The tape of larger diameter takes 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ द फिल द टैंक सेपरेटली। जिस टेप का डायमीटर बड़ा है वो छोटे वाले टेप के डायमीटर से अकेले, वो बड़े टेप बड़ा टेप अकेले वो 10 घंटा पहले टैंक को भर देगी छोटे टेप की अपेक्षा। फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन सेपरेटली फिल द टैंक, अलग अलग दोनों कितने समय में टैंक को भरेंगे। हम लिखेंगे लेट स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन एक्स आवर। हम मानेंगे कि जिनका मुंह छोटा है, जिसका डायमीटर छोटा है, वो एक आवर में भरेगी, 1 आवर वर्क 1/x। लार्जर टेप फिल द टैंक इन एक्स माइनस 10 आवर, 10 घंटा पहले भर देती, कम समय में भरती है तो एक्स माइनस 10 आवर्स में भरेगी, 1 आवर वर्क 1/x माइनस 10। बाई क्वेश्चन, 1/x + 1/x - 10 दोनों का एक साथ टूगेदर वर्क है, 9 × 3/8 इज इक्वल टू 1 टंकी को भरेगा। यानी x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम लिया तो x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। ये इधर आएगा, पलट जाएगा रेसिप्रोकल ऊपर, 2x - 10 इज बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² - 80x इज इक्वल टू 150 - 750। 8x² - 80x - 150 + 750 इज इक्वल टू 0। 8x² - 230x + 750 इज इक्वल टू 0। 8x² - 230x + 750 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करेंगे तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -230, c की वैल्यू 750। डी निकाल लेंगे, b² - 4ac - 230² - 4 × 8 × 750 इज इक्वल टू 5 2900 - 2400 यानी 2800। रूट डी निकालेंगे तो √2800 यानी ±170। एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, -b + √b² - 4ac कहिए या रूट डी कहिए, √2a +30 ± 170 / 2 × 8। वैल्यू पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 230 एक बार +170 / 16
यानी 400/16 इज इक्वल टू 25, और एक बार माइनस मिलेंगे x इज इक्वल टू 230 माइनस 170/16, 60/16 यानी 15/4 निकले। तो स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन 25 आवर, 25 घंटे में छोटा टेप भरेगा। लार्जर टेप फिल द टैंक इन 25-10 यानी 15 आवर, 15 घंटे में भरेगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किमी बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर, बंगलोर और मैसूर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा एक घंटा कम समय लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किमी पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। कह रहा कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड की अपेक्षा 11 किमी पर घंटे अधिक है तो दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या होगी। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किमी पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 11 आवर। बाई क्वेश्चन, पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस 132 किमी है, स्पीड x किमी है, टाइम टेकन 132/x आवर। एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस 132 किमी है, स्पीड x प्लस 11 किमी है, टाइम d/s 132/x प्लस 11 आवर। अच्छा, अब दोनों टाइमों का कंपेरिजन करेंगे। 132/x इज इक्वल टू 132/x प्लस 11 माइनस 1, क्योंकि ये एक घंटा कम समय लेती है, तो इसमें एक घंटा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइड चेंज साइन चेंज 132/x माइनस 132/x प्लस 11 एक्स प्लस 11, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 132x माइनस 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x इंटू x प्लस 11 एक्स प्लस 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0 प्रोडक्ट और सम बनाएंगे प्लस 44x माइनस 33x एक्स कामन तो एक्स प्लस 44 माइनस 33 कामन तो एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0 एक्स प्लस 44 कामन तो एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0 एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस 44 नेगेटिव नंबर नेगलेक्ट एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 33 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी 33 किमी पर आवर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किमी पर आवर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 44 किमी पर आवर।